दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और रिजल्ट की एक और अपडेट आई है जिसको आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2019। अपना नौ डिजिट का इनरोलमेंट नंबर डालकर आप इसको रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। साथ में रिजल्ट को लेकर इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको 10 या 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर कंप्लीट रिजल्ट हर सब्जेक्ट का आ जाएगा, तो आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। रिजल्ट की अपडेट जल्दी जल्दी आ रही हैं, मुश्किल से 10 दिन के अंदर आपको सभी अपडेट्स आ जाएंगी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल अपडेट्स होती हैं उनमें ज़्यादातर रिजल्ट जो है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 10 या 15 दिन के अंदर री एवोल्यूशन का भी रिजल्ट आ जाएगा फिर, ठीक। तो आप अगले महीने में क्या देखेंगे कि अगले महीने में आपको री एवोल्यूशन का रिजल्ट भी मिल जाएगा। और साथ में जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जून का एग्जाम का फॉर्म कब निकलने वाला है, तो वो भी कुछ दिनों के अंदर निकलेगा, मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, यानी कि मार्च में आपको आपका जून का एग्जाम फॉर्म जो है वो भी निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि आपको जून का एग्जाम फॉर्म भरना है या नहीं भरना। उसके लिए भी आपको एक टाइम लिमिट, एक महीने की टाइम लिमिट जो है वो आराम से मिलती है। तो जो ये जून का दिसंबर का एग्जाम है उसके लिए अब आपको 10 दिन और वेट करना होगा। अगर अभी तक आपका किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है तो 10 दिन के अंदर आपका कंप्लीट रिजल्ट इसमें आ जाएगा, ठीक। क्योंकि रिजल्ट की अब लगातार एक साथ अपडेट हो रही है। पहली अपडेट जो है वो 15 फरवरी को आई थी और उसके बाद से कुछ दिनों के अंदर ही 7 या 8 अपडेट्स आ चुकी हैं। जल्दी ही हर दिन जिस तरह से अपडेट आ रही हैं तो इससे 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको रीएवोल्यूशन का भरना है या आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी लेनी है तो वो आप भर सकते हैं। आप मेरे ही चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह से उनको भरना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और देख लीजिए। साथ में आप ग्रेड कार्ड का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप ग्रेड कार्ड भी अपना चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।